नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी में मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम डेली 4 क्वेश्चंस कवर करते हैं। 2 क्वेश्चंस की वीडियो जो है प्रतिदिन, एक सब्जेक्ट की वीडियो जो है आपको 9 बजे प्राप्त होती है, दूसरी वीडियो जो है आपको जो है 6 बजे प्राप्त होती है शाम के टाइम, ठीक है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चंस को लेते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, उनमें कौन कौन से मुख्य भाग के अंदर कौन से पॉइंट देने होते हैं और निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करेंगे। उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं वो क्रिएट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसान हो जाए आपके लिए लिखना, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि इसके पॉइंट हमें कौन से इस्तेमाल करने हैं, कैसे लिखना है, वो सब आपको पता होगा, तो चीजें आसान हो जाएगी, टाइम बचेगा आपका। क्योंकि जब नॉलेज हमें होती है किसी टॉपिक से बारे में और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ टाइम काफी बार इस चीज में लग जाता है कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे इसको प्रस्तुत करूंगा, इसकी पृष्ठभूमि, इसके मुख्य भाग जो है उसके अंदर जो पॉइंट देने होते हैं और इसका निष्कर्ष। तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आपकी तैयारी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं? भारत में जनजातीय समुदायों पर जो है विकास परियोजनाओं और नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जस्टिस से क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस से, ठीक है, उस भाग से चीजें क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, ठीक है, सामाजिक न्याय से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में किन तरीकों से लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों का समाधान होने के साथ महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जनजातीय समुदायों पर विकास परियोजनाओं और नीतियों के प्रभाव का हमें विश्लेषण करना है, यानी कि जो आपस में चिपकी हुई चीजें हैं उनको खोल के अलग अलग चीजों के बारे में जानना है, उनके बारे में हमें लिखना है, ये विश्लेषण का मतलब हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो जनजातीय समुदाय है जब विकास परियोजनाएं चलाई जाती है तो नीतियों का उनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। अब उसमें 2 तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं, वो क्या, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। देखिए पर्टिकुलर ज्यादातर क्वेश्चन जो है मोस्टली क्वेश्चन का आंसर हम एक ही प्रीफिक्स में लिखते हैं, वो क्या, 3 भागों में चीजों को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या हुआ कि उसका परिचय देते हैं, जो भी चीज पूछी गई है उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं, पृष्ठभूमि देते हैं, और फिर आता है उसका मुख्य भाग, ठीक है। मुख्य भाग में जो भी चीज पूछी गई है, जैसे पूछा गया है कि जो विकास परियोजनाएं होती हैं और जो नीतियां होती हैं, ठीक है, उनके प्रभाव पूछे गए हैं, और किन चीजों पे, जनजातीय समुदायों पर, भारत में जो जनजातीय समुदाय हैं उन पर इफेक्ट क्या है, उसका विश्लेषण हमें करना है। तो मुख्य भाग में जो 2 चीज चिपकी हुई है, क्या चिपकी हुई है, प्रभाव कैसे चिपके हुए हैं, कि भाई प्रभाव 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो सकारात्मक हो और एक नकारात्मक हो, तो उनको अलग अलग करके हम देखेंगे कि बेकर सकारात्मक प्रभाव देखेंगे और नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद निष्कर्ष। मोस्टली क्वेश्चन जो है इसी प्रीफिक्स में चीजों में इसकी ओर लिखे जाते हैं कि भाई क्वेश्चंस को ऐसे लिखें, परिचय दें, मुख्य भाग लिखें और निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। काफी बार निष्कर्ष के टाइम पीरियड में हमें उपाय भी लिखने होते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या उसमें किस तरीके से चीजें पूछी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार जो है भारत की आबादी में जनजातीय लोगों की हिस्सेदारी कितनी, 8.6% है, और कुल गरीबी में कितनी, 40% की हिस्सेदारी है, ठीक है। भारत की विकास परियोजनाएं और नीतियों का जो है दुरुस्त और प्रस्थिति के रूप में जो है संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब ये इफेक्ट हमें देख ली है, इसलिए हमें इसी की पृष्ठभूमि की लास्ट लाइन में वो चीज जो है आने वाली चीजों की पृष्ठभूमि को छुपा दिया, जिससे क्या हो, जिससे एक वे मिल सके, जिससे एक प्रभाव मिल सके, चीजें आपस में ऐसा लगे कि चीजें कनेक्शन है, जिस चीज की हम आगे बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि से कनेक्ट हो रही है। पृष्ठभूमि जो है क्वेश्चन के आधार पर लिखी जाती है, यानी कि हमने एक काम खत्म कर लिया, वो क्या है, इसका फर्स्ट भाग, जिसके रूप में हमें लिखना है, जो चीज हमने अपनाई है कि भाई हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो उसका फर्स्ट भाग हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं मुख्य भाग की ओर, वहां पर हमें प्रभाव देखने हैं, किस पर, जनजातीय समुदायों पर, किस चीज के, विकास परियोजना और नीतियों के, यानी कि जो विकास परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जो नीतियां अपनाई जाती हैं, उनके इफेक्ट जो है क्या पड़ते हैं भारत में जनजातीय समुदाय से संबंधित, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पहले सकारात्मक इफेक्ट देखते हैं, फिर नकारात्मक देख लेंगे,
ठीक है, सकारात्मक इफेक्ट से शुरुआत करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेते चलेंगे। ठीक है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों जैसे कि वन अधिकार अधिनियम, इन शॉर्ट फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, अगर टाइम बच जाता है तो यूज कर लीजिए। इसलिए मैंने उस चीज को पोस्टर में लिखा है कि भाई आप वो चीज देखें, जब आप बार बार चीज का यूज करें तो ऐसे यूज कर लें, पहली बार एक बार लिख दें उसके सामने और कि भाई ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आगे यदि इनका यूज हुआ तो मैं कर सकता हूं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप जो है वन अधिकार अधिनियम को FRA लिखते हैं, आप पंचायत अधिनियम को जो है पैसा लिखते हैं। ठीक है, वो जो आप लिखते हैं उसको एक बार लिख दीजिए पुस्तक के अंदर, अब बाद इनका यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बच जाएगा। देखिए, वन अधिकार अधिनियम और पंचायत अधिनियम लिखने में और ये लिखने में किस में टाइम कम लगेगा, इन दोनों में। ठीक है, छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और जनजातीय उपयोजना का उद्देश्य जो है जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। ये क्या बता रहे हैं आप, सकारात्मक इफेक्ट बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज ये लीजिए, मान लीजिए सकारात्मक इफेक्ट पूछे, ये चार पांच इफेक्ट है और दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को प्रस्तुत कीजिए और ऐसे प्रस्तुत करना है कि चीजें बहुत आसान लगे। किसको आसान लगे, जो आप कॉपी चेक कर रहा है उसको आसान लगेंगी चीजें तो आपके लिए भी नंबर लेना आसान हो जाएगा। यदि उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसको एक कॉपी या चाय लगी आपकी कॉपी चेक करते हुए, तो फिर उसका खर्चा वो आपसे ही निकालेगा। तो चीजों को प्रस्तुत करना सीखिए कि चीजों को इतनी आसानी से प्रस्तुत कीजिए कि उनके लिए चीजें देखना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही साधारण तरीके से, आपका आंसर बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, बहुत अच्छा, मगर आपका प्रस्तुतिकरण ऐसी तरीके से होना चाहिए कि चीजें बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही आसान चीज में समझाया हुआ हो कि भाई ये है ये है ये है, इस चीज के पॉइंट ये रहे, इस चीज के पॉइंट ये रहे, और मैं अपनी बात ऐसे कहना चाहता हूं। ठीक है, और जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था FRA हमने यूज कर लिया, किसका, वन अधिकार अधिनियम का, पंचायत अधिनियम का, द्वारा जो है जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली है। जनजातीय उपयोजना दृष्टिकोण का आशय जो है वो जनजातीय उपयोजना के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में योजना निधि का निर्धारण जो है वो सुनिश्चित करना है। ठीक है, एकलव्य मॉडल जो है आवासीय विद्यालय जनजातीय समुदाय के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक है। ये क्या है, सकारात्मक इफेक्ट आप देख रहे हैं। बात करें पंचायत अधिनियम जो है वो आदिवासी समुदाय को अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का अधिकार देता है। ये क्या है, यदि सोच नीतियां हमने अपनाई है उसके आप देख रहे हैं, जो परियोजना अपनाई है उनके इफेक्ट आप देख रहे हैं, किस तरह के इफेक्ट, सकारात्मक इफेक्ट। अब आगे देखते हैं नकारात्मक इफेक्ट और उसको भी पॉइंट टू पॉइंट देते चलेंगे। देखिए, बलपूर्वक विस्थापन, अपने कुछ बात रखेंगे तो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आप दे देंगे जिससे आपकी बातों का प्रमाण मिले। ठीक है, क्योंकि आप नकारात्मक इफेक्ट बता रहे हैं तो कुछ इस तरह की चीजें दर्शाएंगे, ऐसे हवाबाजी नहीं करेंगे, उससे क्या लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे से मेहनत की है, आपने मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, आपने चीजों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बलपूर्वक विस्थापन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खनन, बांध निर्माण, औद्योगिकरण जैसी जो विकास परियोजनाओं के लिए अक्सर भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जनजातीय समुदायों का बलपूर्वक विस्थापन होता है। भाई जो क्षेत्र वहां पर चाहिए वहां पर कुछ लोग रहते हैं, उनका विस्थापन होगा, वो वहां से जाना पड़ेगा, उनको हटाया जाएगा वहां से कि यहां पर ये कार्य होगा। ठीक है, देखिए उड़ीसा के पवित्र नियामगिरी पहाड़ियों में जो है वेदांत समूह की खनन परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, क्योंकि वहां रहने वाले जो जनजातीय हैं, कौन सी, डोंगरिया कुंद, यदि आप जानते हैं उस चीज के बारे में और आपका याद है कि यहाँ पर्टिकुलर इस जनजाति ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसका फर्स्ट कॉमे के अंदर उस चीज का जिक्र कर दीजिए, उस चीज के बारे में बता दीजिए, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कोई जनजाति है पर्टिकुलर, कोई भी चीज है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कुछ अन्य तरीके क्वेश्चन है और वो चीज हुई है, किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसको चर्चाओं में रहा था उस टाइम पीरियड पे, तो उसका फर्स्ट कॉमे के अंदर जिक्र कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक नॉर्मल आंसर से जो आप जो है अन्य व्यक्ति लिख रहा है और आपका आंसर अलग दिखेगा कि हाँ आपने छोटी माइनर चीजों भी नहीं छोड़ी है, आपका आंसर जो है अच्छे से आपने प्रस्तुत किया है, ये चीज दर्ज लिखनी चाहिए, इस संदर्भ में अपनी सहमति नहीं दी थी। ठीक है, आजीविका का नुकसान, ठीक है, विकास परियोजनाओं में अक्सर जो है आदिवासी समुदाय को पारंपरिक आजीविका का नुकसान होता है, वो कैसे, वर्जीनिया सासा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, देखिए अपनी कोई बात रखे तो किसी रिपोर्ट के तहत,
या किसी ने कुछ बड़े जो जहाँ जो मान्यता रखता है जिसकी बात की कुछ वैल्यू होती है उसके तहत जो है ऐसा कुछ बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बोला है, कोई रिपोर्ट आई है उसके तहत आप अपनी बात प्रस्तुत करेंगे तो कुछ अच्छा लगता है। ऐसे हवाबाजी मत कीजिएगा कि ये ऐसा ऐसा है, वो चीज थोड़ा सा अजीब लगती है कि आपने बातें तो रख दी है, बातें सेम है, मगर जब आपने किसी अपनी बात को किसी रिपोर्ट के माध्यम से कि रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कुछ किया है, ये चीज है ऐसा है, इसके माध्यम से ये महापुरुष ने इस बारे में ये बोला है, तो वो चीज थोड़ी सी ऑथेंटिक लगती है कि आपने एक प्रमाण के रूप में एक थोड़ा सा ना अलग टाइप से प्रमाण के रूप में चीजें को बोला है, आपकी बोलने का जो वे है प्रस्तुत करने का वे है थोड़ा सा डिफरेंट है, वही चीज होनी बहुत जरूरी है। भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के कारण जो है आदिवासियों को उनके पारंपरिक आवास से बाहर कर दिए जाने के कारण उनकी कृषि और वन आधारित आजीविका जो है प्रभावित हुई है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण इसका प्रमुख उदाहरण है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भी कोई अपनी बात रखे, आपने एक बात रखी कि जब हम इस तरह की विकास परियोजनाएं चलाते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, तो वहां से बहुत बड़े क्षेत्र जो हमें चाहिए वहां से हम चीजों को हटाते हैं, उनसे क्या होता है उनकी आजीविका पर इफेक्ट होता है, उसका नुकसान उनको होता है, तो उससे कुछ एग्जाम्पल रखेंगे, ऐसे तो हवाबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, गुजरात में जो है नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप जो है 1,00,000 से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ था, जिनमें अधिकांश आदिवासी समुदाय थे। उन परियोजनाओं के कारण जो है उपजाऊ कृषि भूमि जो है जलमग्न हो गई थी और लोगों को जो है आजीविका का नुकसान हुआ था। अब ये पॉइंट हो गया और अपने पॉइंट आपने रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही प्रस्तुत करते चलना है बस चीजों को। देखिए यहाँ पर हर पॉइंट जो है क्लियर होता चलेगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लिया, आपका पूरा मेन स्टैप हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत का नुकसान की बात करें तो विकास परियोजनाओं ने जो है अनुचित बाहरी हस्तक्षेप से जो है आदिवासी समुदायों की जो संस्कृति होती है, जो सांस्कृतिक विरासत उनकी है, उनको नुकसान हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रचारित आदिवासी पंचशील के विचार से विपरीत है ये चीजें। आपने चीज को प्रस्तुत किया, दिखाया वो चीज की, और उस चीज के अंदर किसी इंपोर्टेंट हिस्से के बारे में जिक्र कर दिया, किसी व्यक्ति के बारे में, चीज के बारे में जिक्र कर दिया। ठीक है, ऐसा आपने एक पॉइंट रखा। भूमि और जल अधिकारों के मान्यता के अभाव की बात करें तो आदिवासी समुदाय जो है वो पीढ़ियों से अपने आसपास की भूमि और जल संसाधन का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन विकास परियोजनाओं द्वारा अक्सर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। अब बात जो है पॉइंटों के अलावा, यानी कि पॉइंटों के बिना भी, पॉइंटों की बात कैसे कर रहा हूं मैं, हेडिंग की बात कर रहा हूं, उसके बिना भी जो है लिखी जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है। फिर मैं क्यों उसका यूज कर रहा हूं या फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत क्यों कर रहा हूं, उसका एक इंपॉर्टेंट कारण है, और यदि आपको वो जानना है तो आप हमारे लगातार जो है वीडियोज या क्लासेस देते रहिए। पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने उस चीज के बारे में बताया है, आप देखेंगे तो उस चीज में आपको समझ में आ जाएगा कि कारण वाकई जरूरी है ये चीज। यदि हमको ये भी चीज मिलेगी तो किसी बुरे वक्त में, अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बुरा वक्त कुछ कारण है, ठीक है, वो चीज आपको वहां पर समझ में आएगी कि इन चीजों की आवश्यकता आपको कहाँ पड़ेगी। क्योंकि किसी नॉर्मल, जब आप आंसर लिख रहे होंगे, आप नॉर्मल स्थिति में है, कोई खास जरूरत नहीं है इनकी, आप नॉर्मल प्रस्तुत कर सकते हैं अपना पॉइंट, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, मगर यदि इनकी आवश्यकता कहां पर पड़ सकती है वो चीज आपको जो है अन्य क्लासेज में समझ में आएगी, वो आपको देखनी पड़ेगी और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सारी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे जो है सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। लेकिन निष्कर्ष में क्या ले सकते हैं, विकास परियोजना और नीतियों से जो है भारत के जनजातीय समुदायों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए हैं, दोनों हमने बात की है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट भाग की बात कर ली जिसमें परिचय दिया गया था प्रश्न, मुख्य भाग की बात करी सकारात्मक और नकारात्मक इफेक्ट की बात हमने कर ली, तो मुख्य भाग भी खत्म हो गया। अब तीसरी चलप के लिए है, वो क्या है, निष्कर्ष, पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। निष्कर्ष की बात करते हैं कि वे प्रभाव पड़े हैं कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। इस संदर्भ में निर्णय लेने की जो प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदाय की भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करने के साथ समाज की मुख्य धारा में इनके समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब ये भी पॉइंट खत्म हो गया, यानी कि पूरा जो आपने देखा था कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में आंसर लिखूंगा, इस तरह से मैं अपना आंसर दूंगा, ठीक है, इस तरह से मैं अपना आंसर जो है प्रस्तुत करूंगा, वो आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, भारत में किन तरीकों से लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों का समाधान होने के साथ महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, इस पॉइंट पर हमें बात करनी है। ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट ही करेंगे, मगर काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत हमें थोड़ी सी अच्छे से करनी होती है। अच्छे से करने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस की, हर क्वेश्चंस की शुरुआत अच्छे से ही होती है,
मगर वो क्या होता है कि काफी बार हमने चीजों को प्रस्तुत करना होता है, समझाना होता है, ठीक है। तो वो समझाते हैं कि शुरुआत से ही चीजों को लेते चलेंगे तो फिर अपने वो पॉइंट देंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, जिनकी उस क्वेश्चन की डिमांड है। लिंग आधारित हिंसा भारत में एक व्यापक और गंभीर मुद्दा है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की जो है निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विभिन्न कानूनों और नीतियों को लागू होने के बावजूद जो है देश में अभी भी लिंग आधारित हिंसा की प्रवृत्ति बनी हुई है। भारत में विश्व स्तर पर महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा की तुलना में उच्चतम दर देखने को मिलती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो है 2021 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल 405,861 मामले दर्ज किए गए, जिनमें जो है 32,033 मामले बलात्कार के थे। अब आपके लिए जो है प्रश्न में आप ऊपर चीजों में क्रिएट हो सकती है, मगर नीचे जब आप अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका क्या बना रहे हैं, वो एक प्रवाह क्रिएट कर रहे हैं कि चीजें आपस में जुड़े, चीजें अच्छे से प्रस्तुत हो, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके बारे में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो चीज है क्या, उसको अच्छे से प्रस्तुत करना बहुत ही जरूरी है। तो वो हम कर रहे हैं, उसको एक प्रवाह दे रहे हैं ताकि चीजें आपस में कनेक्ट होती चल जाए, ऐसा ना लगे कि आपने एक नॉर्मल सी शुरुआत करके चीजों को अच्छे से बता के जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आंकड़ों के साथ उसको प्रमाणित करते हुए कि हाँ वाकई वो चीज है जिसको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस चीज को देखते हुए बताते हुए नहीं चलेंगे तो चीजें कुछ अधूरी नजर आएंगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो प्रश्न भी नॉर्मल हो सकती है, मगर यदि अपनी आंकड़ों के साथ जो है उस चीज को प्रमाणित करते हुए, अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए चीजों को चलेंगे और अच्छे से उसको प्रस्तुत करते चलेंगे तो चीजें अच्छी होंगी, अच्छी दिखेंगी। क्योंकि पहला भाग कुछ क्वेश्चन ऐसे तरह के होते हैं जिनका पहला भाग कुछ बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको उसको अच्छे से प्रस्तुत करना होता है, अच्छे से उसको लिखना होता है, ठीक है। हालांकि विशेषज्ञों का सुझाव है कि वे संख्या वास्तविक मामलों में काफी कम है, क्योंकि लिंग आधारित हिंसा के कई मामले जो है सामाजिक कलंक, भय और कानूनी व्यवस्था में विश्वास की कमी के कारण जो है दर्ज नहीं किए जाते। अब जो लास्ट की चीजें हैं वो सिर्फ एक प्रभाव कनेक्ट करने के लिए चीजें, पृष्ठभूमि नहीं है। तो इस तरह से हम चीजों को प्रस्तुत किया, अब चलते हैं किस ओर आगे, अगले उन पॉइंटों से चीजें क्लियर करते चलेंगे। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझनी है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। चीजों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए चीजों को प्रस्तुत तो कर दिया, मगर एग्जैक्ट वो कारण क्या है, वो चुनौतियां क्या है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही, वो देखते हैं, ठीक है। वो क्या समझाएंगे, चुनौतियां क्या है, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण जो है लैंगिक रूढ़िवादिता से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिला है। महिलाओं को जो है अक्सर पुरुषों से हीन और अधीन समझा जाता है, ठीक है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या जो है, ऑनर किलिंग जो जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि उस तरह की थिंकिंग है, वो दृष्टिकोण है पुरुषवादी दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक चीजें हैं, ठीक है, वो इस ओर जो है चीजों को बढ़ावा देती है। दूसरा पॉइंट क्या दिया आपने, जागरूकता की कमी है। देखिए आम जनता जो है कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता को समझ की कमी है, जागरूकता उस तरह की नहीं है, उस समझ की कमी है। अभी पुलिस और न्यायपालिका के लिंग आधारित हिंसा के मामले में असंवेदनशील तरीके से निपटने के लिए आलोचना की जाती है, जिससे पीड़ितों के बीच जो है इनके प्रति विश्वास की कमी रहती है, ठीक है। आपने दो पॉइंटों में चीजों को रखा, भाई चुनौतियां ये हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज को रखा। आगे चलते हैं कि वो एग्जैक्ट चीजें क्या है जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, अब उस पॉइंट पे आते हैं कि लिंग आधारित हिंसा को हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होंगी, जो क्वेश्चन की एक्चुअल भी डिमांड है, ठीक है। उसको अच्छे से प्रस्तुत किया, एक्चुअल चीजें क्या है और अपने प्रस्तुत किया अच्छे से, फिर जो है वो चीजों को देखा कि भाई इसके ये कारण है, आप चीजों को सोल्यूशन की ओर चलेंगे कि भाई हल करना है उसको, जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ठीक है। इसमें कुल आधारित शिक्षा कार्यक्रम जो है, समुदाय स्तरीय अभियान जो है, विभिन्न मीडिया और प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है जन जागरूकता का प्रसार करना शामिल हो सकता है। अपना एक पॉइंट दिया भाई, कानून ढांचे को मजबूत बनाना,
अब आप समझ रहे हैं कि जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं कि भाई ये जागरूकता शिक्षा को बढ़ावा देना, कानूनी ढांचे को मजबूत करना, इनका यूज आप कहाँ कर सकते हैं। वाकई आपको ये चीज जाननी है कि सीधे हेडिंग्स जो है नॉर्मल तरीके से आप पॉइंट दे सकते हैं, वाकई क्या इनकी जरूरत है कि नहीं है, और है तो कहाँ पे है, ये आपको जानना है तो पिछले कुछ वीडियोज में मैंने बताया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपकी अन्य चीजें पढ़ेंगी, और यदि आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लिंग आधारित हिंसा के लिए जो है कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसमें जो है मौजूदा कानून और नीतियों को सख्ती से लागू करना शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूप जैसे कि यौन उत्पीड़न जो है, घरेलू हिंसा, लिंग आधारित हिंसा की परिभाषा में शामिल करने की आवश्यकता है। एक पॉइंट और दे दिया। दूसरा क्या है कि न्याय तक पहुंच में सुधार करना, न्यायिक प्रणाली को जो है महिलाओं के प्रति अधिक सुलभ और अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना, महिलाओं के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि क्या हो समानुभूति हो। समानुभूति का मतलब समझते हैं कि चीजों को जो है एक महिला की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाती, समानुभूति रख सके, तो उससे क्या होगा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी तो समानुभूति क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पुरुष न्यायाधीश है वो चीजों को समझ सकता है, मगर समानुभूति रखने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो महिला अच्छे से रख सकती है। ठीक है, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है, ये पॉइंट जो है आप दे रहे हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक अवसरों और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से जो है महिला को सख्त बनाने, लिंग आधारित हिंसा की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। महिला को हिंसा के मामलों को रिपोर्ट करने और सभी स्तर पर जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ आपने पॉइंट दिए कि भाई उसको अच्छे से प्रस्तुत किया, फिर क्या किया, फिर वो चुनौतियां प्रस्तुत की, भाई इस तरह के कुछ चीजें कारण हैं जो चीजें की बढ़ावा देते हैं, इस तरह के दृष्टिकोण कुछ हैं। ठीक है, उनको हल कैसे कर सकते हैं वो अपने पॉइंट रखे। अब कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आप रखेंगे जो आपको दिखाता है कि भाई कुछ चीजें अच्छे से की गई है जो सफल हुई है, जो इस चीज की ओर आगे बढ़ावा देती है, उस सफल प्रयास का जिक्र कर देंगे। वो क्या क्या आप दे सकते हैं, देखिए, वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी सुविधा है जिसमें लिंग आधारित हिंसा से जो है पीड़ित महिलाओं को विभिन्न सेवाएं जैसे कि चिकित्सा है, कानूनी है, परामर्श सेवाएं हैं। आप फर्स्ट कॉमे के अंदर इस चीज को लिख सकते हैं, जब आप बात करेंगे कि महिला को विभिन्न सेवाएं जो है वो प्राप्त होती हैं, जहां पर जो सेवाएं प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका फर्स्ट कॉमे के अंदर आप जिक्र कर दीजिए कि भाई ये चीजें हैं जो उनको मिलती हैं। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। ये केंद्र देश भर में स्थापित किए गए उनकी सफलता को जो है इसमें दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या और महिलाओं के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के रूप में देखा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला उदाहरण क्या देखते हैं, निर्भया फंड। ठीक है, निर्भया फंड को वर्ष 2013 में महिलाओं की सुरक्षा हेतु बेहतर करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस फंड से विभिन्न परियोजनाओं को समर्थन किया गया। ठीक है, जिससे महिला जो है हेल्पलाइन नंबर की स्थापना, ठीक है, सार्वजनिक परिवहन में जो है जीपीएस सक्षम पैनिक बटन को शामिल करने जैसी जो है पहल शामिल की गई। तो इस तरह से अपने पॉइंट आप देते चलेंगे। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। ठीक है, कि लिंग आधारित हिंसा भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो भारत को लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे को प्राथमिकता देने और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। सामूहिक कार्रवाई, निरंतर प्रयास के माध्यम से ही भारत में लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के साथ महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, यह आपने क्या किया, यह आपने निष्कर्ष ले दिया। तो तीन भागों में चीजों को लेके चले थे, वो आपने मुख्य भाग, परिचय और निष्कर्ष में रूप में चीजों को अच्छे से कवर कर लिया। अब बात कुछ उनकी आती है कि जिनको 100 में लिखना है, 120 में लिखना है। मैं बार बार ये चीजें आपको बताता रहता हूं, प्लीज समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट को क्लियर करते हुए मान लीजिए मैं 300 जो है उप पॉइंट का यूज करता हूं। आपको दो कर लेने हैं अपने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से संबंधित जो आपके पॉइंट है, जो आप उनको सूटेबल करते हो, जो सूट होते हैं उस चीज के प्रति। ठीक है, उनका यूज कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने 5 पॉइंट दिए हैं किस चीज को बताते हुए कि भाई ये कार्य कर लेने चाहिए, उनमें मैंने 5 दिए हैं। ठीक है, आप जो है 3 का इस्तेमाल कर लीजिए जो जो है आपके क्वेश्चंस के प्रति हो, जिसमें क्वेश्चन में जैसा पूछा गया हो उसके अनुसार हो, उन 3 का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे अपनी चीजों को आप लिख सकते हैं जिससे आपकी चीजें कम होंगी, वर्ड कम होंगे और टाइम कम। ठीक है, ऐसी चीजों को लिख सकते हैं।
तो हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, प्लीज कमेंट करते रहिएगा। क्यों, ये क्यों जरूरी है? आपके लिए जरूरी है। मेंस लिखते समय या मेंस से संबंधित तैयारी में आपको जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आप कमेंट करेंगे तो अगली कुछ वीडियो में हम उनका आपको लिए सोल्यूशन लेके आ जाएंगे, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसकी बहुत अधिक जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोगों तक चीजें पहुंचेंगी तो उनको हेल्प होगी। आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को शेयर कर देना, मान लीजिएगा बस आप यही फीस है, क्योंकि चीजें हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इतना तो आप कर ही सकते हैं परिवार का हिस्सा होते हुए, क्योंकि शुरुआत इसी चीज से होती है कि आप HSCD परिवार का एक हिस्सा है, ठीक है। यदि आप हिस्सा हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।